रिएक्शन करते हैं। ये रिक्वेस्ट थी और डिमांड थी शहरम पाकिस्तान से। शहरम की रिक्वेस्ट थी कि क्या नाम है गाने, गड्डी तू मंगा दे। और इनको गाया गया नदीम अब्बास लोने वाला और मॉडल नया ऑफिशियल वीडियो है, 8 साल पुरानी वीडियो है। ये गाना, ये वही गाना नहीं, गड्डी तू मंगा दे तेन मैं पवांदी आ, अगे मैनू गाना नहीं आंदी है। जैसे ये तो मेरे टोन आगे जिसकी टोन है वो मेरे को आती है शायद। ये मैंने कई बार सुना हुआ गाना, बहुत बार सुना हुआ था, फर्स्ट टाइम होगा कि मैंने कोई चुनी हुई चीज के ऊपर मैंने रिएक्शन करने लगा हूँ, वो शहरम की डिमांड के ऊपर। मैंने पूरा गाना, मेरे को पूरे बोल नहीं पता, पर ऐसे होता है ना, मैं छोटा होता था तो हमारे क्लास में जो जब मैं हिमाचल में पढ़ता था छोटा था, तो उस बोलते थे कि एक दूनी दूनी दो दूनी चार तीन दूनी छः, आगे नहीं आता था तो पकड़ लेते वही वाली बात है। पर जिस हिसाब से ऐसे है कि गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवांदी हाँ, जिस हिसाब से पाकिस्तान पेट्रोल की $250 महंगा, $250 लीटर है ना अभी, 249 समथिंग, कल तक 249 था लीटर, तो हिसाब से ये अब बोल चेंज होने चाहिए। गड्डी कहती मैं मंगा दी हाँ, तेल तू पवा दी। चलो यार, शहरम फ्रॉम डिफरेंट मादा फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, शी हैज रिक्वेस्टेड एंड लेट्स सी व्हाट शी लाइक अबाउट दिस सॉन्ग। तो करते हैं गाने का रिएक्शन है, गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवा दी हाँ। बैड चॉइसेस, तेल किसी और ने डालना चाहिए। चलो यार स्टार्ट करते हैं, वापस जाएगा। दिल तेनु दे बैठे, मेरे को लगता था दूसरे गाने की हुण करिए ताकि करिए पिक्चर बना। तेनू प्यार हो गया मैनू सैया कहंदियां, तेनू प्यार हो गया मैनू सैया कहंदियां, जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहंदियां, जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहंदियां। मेरे को लगता था ये अलग अलग गाने जो पहले स्टार्ट हुए, गड्डी तू मंगा दे तेल में पवांदी
के बोल बोल आपका फेवरेट सिंगर सॉरी सारा अली बग्गा मेरा थोड़ा नाम का थोड़ा भूलने को हो जाता है कई बार पर कुछ गाने होते हैं कि जिससे ना 8 साल पुराना गाना है ये मैंने इसके ये गाना आई थिंक ये मेरा पहला रिएक्शन होगा जिसका मेरे को गाने का पता था अराउंड 30-40% क्योंकि आपको इसका एक और सॉन्ग भी बड़ा पसंद है बिस्मिल्ला काला आए थे काला सही यार जो है सेम सिंगर आगे पता नहीं क्या मेरे को छोटे छोटे बोल याद रहते हैं बाद में मैं बोल जाता पर यार अगर बंदे की बात करें भाई साहब की तो ना ही ऑटो टोन यूज हुई है और मतलब गाने दिखाते हैं उनकी आवाज और जो उनके जो बोल लिखे गए ना गाने में अभी तक भी अगर आप कितने साल हो गए कि आप काफी सालों के बाद आप सुनोगे तो दोबारा एक वो रिफ्रेश होता है ना कि बंदा मेरे को ऐसा लग रहा है मैं गाने में खो सा गया तो वो छोटे छोटे प्यारे से उनकी आवाज में गुदगुदाते हुए बोल जो और एक कन्वर्सेशन वो प्यारी थी मतलब मेरे शहरम जी आपका मेरे को अच्छी चॉइस ऐसा कि मैंने ये मेरे को लगता था कि जो स्टार लिया ना गाने का मेरे को लगता है कि वो और है क्योंकि मैंने ऑडियो सुने इस बोल के वीडियो नहीं देखा होता मैंने पर गाना ये मेरे को पता था क्योंकि ये पाकिस्तान ड्रामा स्टेज ड्रामा में बहुत बजते थे ना जिसमें डांस करते थे गड्डी तू मंगा दे तो उसके ऊपर जैसे मतलब जफरी खान या नसीर चनौटी और वो उसमें पंच लाइन मार देते तो उस पे गड्डी तू मंगा दे तो उस पे तभी पीछे बैकग्राउंड में जब एंट्री होती थी तो वो गाने बजाते जैसे वो क्या नाम नरगिस या उसकी बहन जो दीदार तो उनके मैंने देखे ड्रामे का बहुत शौकीन हूँ पाकिस्तान ड्रामे का तो यार ये था एक बहुत प्यारा से मेरे को बहुत अच्छा लगा दोबारा रिफ्रेश सुन के आई थिंक 2024 में इस बंदे को अगर पाकिस्तान में बैठ के बंदा ये गाना सुन रहा ना तो उसको वो अपने बोल चेंज करना चाहिए इस गाने का अब तेल नहीं मंगाना तेल मंगा अगर था गड्डी महल आने तो तेल तू वाले अभी आपने इनके वाले साहब ने सुने नाम अलादिता लूने वाला उनकी वफात हो गई है लोगों सराय की लूने वाला का तो मैंने हां मेरे को नहीं मालूम था गाते थे वो फोक सिंगर थे बड़े अच्छे थे तभी इनका नाम उस पे लगा लूने वाला वो ये बचपन से गा रहा है ये जब से 7 साल का था ना नहीं आवाज उनकी जो उनकी जो आवाज है उनमें कोई ऐसा नहीं था कि मतलब ऑटो ट्यून मैंने बीच में बोला कि अभी डीएनए में है ना हां तो प्रैक्टिस है ना प्रैक्टिस रियाज किया उन्होंने और आपको जो पता है जो मॉडल है ये इनका इंतकाल हो चुका है ऑनर किलिंग चलो यार यही होता है कई बार अपने क्या बोलते हैं अपनी सोसाइटी में या फैमिलीज में कुछ चीज़ों में चलो नहीं बात करता मैं उसके बारे में क्योंकि हर इंसान की अपनी एक डिग्निटी और रिस्पेक्ट लेके चलता है अपनी सोसाइटी में और कैरी सॉन्ग वाज ब्यूटीफुल हाँ सॉन्ग शहरम जी आपके आपके सजेशन और मैंने ये मेरा मैंने पहले 2-3 बार बोल चुका हूँ ये मेरा पहला रिएक्शन होगा 1 साल के अंदर जो मैंने एक चीज़ सुनने के पता होने के बाद उसका रिएक्शन किया है पर एक चीज़ मैंने नई अभी सीखी है देखी है कि जो स्टार्ट था वो मेरे को लगता था कोई और गाना है और बीच वाला गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पहुँच दी चलो यार आपकी डिमांड सराखों पर सर जी और अगर लूने वाला जी ने कॉपीराइट क्लेम हटा दिया तो चला देगा अगर नहीं हटाया तो भैया नहीं हटाया क्या कर सकते हैं उसमें आगे क्योंकि बहुत सारे पता नहीं क्यों ऑस्ट्रेलियन सर्वर के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा के रखते हैं स्पेशली पाकिस्तान से और इंडिया की जो मूवीज़ की आती है मैं इंडियन मूवी को भी ज़्यादा रिएक्शन करते हैं पर मेरे को यार एक ना मैंने आई थिंक मैंने एक रिएक्शन किया था मौला जट ओ मौले नो मौला ना मारे था मौला नहीं मरदा ओ तो एक्चुअली बात ऐसी कि मेरे को मौला जट के ऊपर एक और हैं उनका रिक्वेस्ट आई थी उन्होंने इमरान खान के ऊपर बनाया हुआ था मौला जट वाला समथिंग तो मैंने नहीं देखा काइंड ऑफ मीम मीम आई थिंक बोलते कि इसके ऊपर भाई आपने रिएक्शन करना पर मैं उसके ऊपर पहले अगर आपने नहीं देखा हो तो मैंने मौला जट के ऊपर रिएक्शन किया था साल हो गया उस चीज को पर मैं इसलिए दोबारा इसलिए मैं करना चाहता हूँ उसके ऊपर दोबारा पुरानी वाली पे
नहीं, जो नई वाली आई थी उसकी उनकी नहीं, वो लेजेंड होंगी, ये भी तो लेजेंड हाँ उनके और उनके साथ, क्योंकि अभी ना इनको इंडिया में थोड़ा सा, मुंबई में थोड़ा सा मेरे को अजीब लगा, दे हैज़ यूज सच अ डिस्गस्टिंग वर्ड अबाउट द पाकिस्तानी आर्टिस्ट, क्योंकि अभी बोलते हैं पाकिस्तानी मूवी रिलीज करनी मुंबई में, तो यू नो जो MNS है जो मतलब शिवसेना वाले उस पार्टीज के हैं, तो वो उन्होंने कुछ लैंग्वेज ऐसा यूज़ किया कि मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो आप इंडिया में बैठ के इंडिया पाकिस्तान आर्टिस्ट की जो काबिलियत उनको वो रोक सकते हैं ना लगने से, क्योंकि कहते हैं थिएटरों में लगने दें उनकी मूवी को, फवाद जो फैन तो वहाँ पे बहुत हाँ हाँ, तो मैं भी एज ए फैन बेस ही बात कर रहा हूँ, तो अगर वो इंडिया में बैठ के उनको रोक सकते हैं तो मुझे तो नहीं रोक सकते ना। मतलब ठीक है मैं भी इंडियन हूँ, पर मैं एक कंट्री की रिस्पेक्ट एक तरफ है, और एक जो आप किसी भी कंट्री के लिए या लोगों के लिए, तब जब आप पब्लिक प्लेस में जाके स्पेस में जाके यूज़ करते अपनी लैंग्वेज, जिसमें थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए कि सुनने वालों की भी तो माँ बहनें हैं, मतलब वो भी तो है ना, आपको उनके भी तो फैमिली को हर्ट्स होगा ना कि जब बात सुनते हो। चलो यार मैं बनाऊंगा जरूर, अगर आप शिवसेना वाले आप रोकते हैं तो रोकिए, हम बैठे हैं या जो जो हमें चीज़ पसंद है, आपकी पर्सनल जो होगी किसी के लिए ना, किसी कंट्री के लिए लाइकिंग, उससे मेरे को थोड़ी इम्पैक्ट होना चाहिए ना, मेरी भी कुछ पर्सनल लाइकिंग, मेरे भी कुछ है कि मेरे भी राइट है कि मैं अपनी जो मेरी लाइकिंग है उसको मैं देखूँ और दिखाऊँ, तो आप अपनी रखिए, आप अपने हम अपनी रखते हैं। और इवन एज इंडियन मैं कंट्राडिक्ट करता हूँ, मैं उस चीज़ को कंडेम करता हूँ कि जो उन्होंने वर्ड यूज़ किए, परसों की बात है, परसों हुई थी कॉन्फ्रेंस, तो देखती नहीं मुझे गुस्सा, हाँ मेरे को थोड़ा अजीब लगा कि अगर चलो एनी वे बनाऊंगा जरूर फिर, ऐसा है कि वैसे भी तो चलो स्टेबल लेसन से हैप्पी, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू शरम जी, और आपने ये रिकमेंड किया, मैंने दोबारा फिर ब्यूटीफुल आपका बहुत सारा पाकिस्तानी अच्छा म्यूजिक सुना, दोबारा फिर कानों को थोड़ा रिफ्रेश हो गया और हैप्पी मोड में, स्टेबल लेसन से हैप्पी, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।